पॉपुलर मीडिया खोल दिया जाए। अब उसमें कोई था कि नहीं था ये भी मतलब ऐश्वर्या विराट नाम का अपार्टमेंट है, आठ नौ मंजिला है, विराट ऐश्वर्या मामूरगंज, जिसके आठवें मंजिल पर अपार्टमेंट में आग लगी थी। पूरी तरह आवासीय है, उसमें ध्रुव नाम का एक लड़का लगभग उम्र 20 से 25 साल, वो अंदर फंस गया था। एक और बच्चा छोटा था 10-12 साल का, वो भी फंसा था। तो छोटे बच्चे को तो पहले हम लोग निकाल दिए थे, बड़ा बच्चा गिर गया था उसको भी बाद में निकाले हैं। बगल में सूर्या हॉस्पिटल है, वहाँ पे भेज दिया गया है। अब उसकी स्थिति वहाँ पे पता नहीं कैसी है, कुछ चल पाई है कि किस वजह से आग लगी है? अभी तक की स्थितियों में ऐसा लग रहा है कि इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट ही है। सर, इतना बड़ा अपार्टमेंट है, अपार्टमेंट में आग बुझाने की भी व्यवस्था रखती है? कुछ नहीं ऐसा है, आग बुझाने की व्यवस्था में जो मानक है होजरील राइजर ये सब उतरा हुआ है। अब वो एक्टिवेट था कि नहीं ये हम इसके बाद आग बुझाने के बाद इसका इंस्पेक्शन करके तब रिपोर्ट लगाएंगे। उपयोग में भी है, वो सारी चीजें लगी हुई हैं। हम लोग अपने संसाधन से काम किए हैं, उनका उपयोग नहीं किए हैं। अगर मान लीजिए वो उपयोगी नहीं है या उपयोग में आने के लायक नहीं है, तो क्या उस पर भी कुछ आप प्रशासन की ओर से ध्यान देंगे? हाँ, ध्यान ही नहीं देंगे, नोटिस भी देंगे, एक्टिवेट कराएंगे। बिल्कुल एक्टिवेट होना चाहिए था। अब है कि नहीं ये अभी इस वक्त हम नहीं कह सकते, क्योंकि हम लोग अपनी गाड़ियाँ 7 गाड़ियाँ लगा के हम आग बुझाए हैं, क्योंकि काफ़ी हाई राइज थी। पहले हमने बिल्डिंग की पूरी बिजली कटवा दी, तो हम लोग अपने मोटर फायर इंजन से काम किए। आग अभी भी बुझाई जा रही है, 2 मिनट के लिए रुकवाए हैं, लेकिन एक और अंदर कमरा है उसको तोड़वाए हैं, उसमें भी थोड़ी बहुत आग फैल गई थी। अभी देखने के बाद इसका इंस्पेक्शन करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर बी एन पटेल हैं, फायर